कुछ रीत जगत की ऐसी है। नंदिनी, संभाल नहीं पाई। सॉरी तो जलपा भाभी को बोलना चाहिए, पर वो बोलेंगी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने अभी सॉरी बोल दिया ना, तो फ्यूचर में उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे से वो ऐसी कोई बात ना करे। जबकि उनका स्वभाव तो बदलने वाला है नहीं, उन्हें तो बस बोलना ही। देखो, मैं जानती हूँ उन्हें, मेरी चचेरी बहन है वो, उनकी बातों का बुरा मत मानना। थैंक यू यहाँ आने के लिए, मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए। भाभी, भले मुझे 3 दिन हुए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे थोड़ा बहुत मैं भी आपको समझती हूँ। भाभी, ऐसा क्यों लगता है जैसे आपके अंदर कोई दुख है जो आप किसी को नहीं बताती? शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मैंने कहा था ना आपसे उस दिन, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होता है। भाभी, मैं हूं आपके साथ, आप अपनी फीलिंग्स मुझे बता सकती हैं। नंदिनी, वो मम्मी जी किचन में अकेले काम कर रही है, मुझे जाकर उन्हें हेल्प करनी चाहिए। तुम आराम करो। हाँ, ये 1980 की नहीं, अभी की चाहिए फाइल। तो ये एंट्री चेक की, आपने अकाउंट चेक किए? सारी एंट्रीज देखें एक बार। प्लीज आप मेरी बात मानिए एक बार, अच्छे से ना ऑडिट की। बच्चे, जी ये एंट्री देख, टैली कर। हाँ, एक सेकेंड, ये एंट्री देखिए, 2, 3, 5, 9, 6, 7। ये एंट्री किसकी है? तुम पता नहीं, पूछे डबल काका। ये जो एंट्री है 3397 हो गई क्या? वो आधे रास्ते से वापस आ गया। बाबूजी, मुझे लगा कि मेरा अभी जाना ठीक नहीं रहेगा, यहाँ होना ज्यादा जरूरी है। तो विरल, मुझे लगता है पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए और पता करना चाहिए किसका कितना कितना लॉस हुआ है। मोटा भाई, वो धीरू रबारी है ना, उसका कुछ 1 करोड़, और वो कविता ज्वेलर्स वाले का 50 लाख, सबने कंप्लेन करके रखी है उसके खिलाफ। मैंने भी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन हेमंत का फोन ऑफ आ रहा है। और ये हेमंत कौन है? वो भगोड़े केशव कनौजिया का बेटा। और कौन? पता नहीं कैसे कैसे लोगों से दोस्ती बना के रखी है तूने। हाँ बापूजी, हमारे अकाउंट से 3.5 CR का ट्रांजेक्शन हुआ, जिसमें से अभी तक हमारे पास सिर्फ 50 लाख रुपए वापस आए, बाकी का सारा अमाउंट पेंडिंग है। विरल, एक काम करो, सारे पेपर्स लेके पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ पे इंस्पेक्टर राठौर होगा, उसको मेरा नाम देना और बोलना कि रतन सी डायमंड का ये केस है, प्रायोरिटी दे इसे। डबल, तुम भी जाओ साथ में। नानगू काका, ये इसमें सारी एंट्रीज है, पंडिया संभाल के पिछले महीने का स्टेटमेंट खोल के दे। केशव कनौजिया काफी सारे लोगों के पैसे लेके भागा है, अगर उसने खुद को बैंक्रप्ट साबित कर दिया ना नंदिनी, तो फिर हम उसका केस कोर्ट में भी नहीं ले जा पाएंगे। नरेन, माँ आप यहाँ? बेटा, तुमने बापूजी की फिक्र की, ये अच्छी बात है, पर नंदिनी के बारे में भी थोड़ा सोच रहे थे। इसे कितना बुरा लगा होगा तुमने लास्ट मोमेंट पर गोवा का ट्रिप कैंसिल कर दिया। माँ, मैंने अकेले ने कैंसिल नहीं किया, नंदिनी ने भी मुझसे कहा कि अभी सही वक्त नहीं है गोवा जाने का और हमें बाबूजी के साथ रहना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। माँ, अब वो सिर्फ नरेन जी के बापूजी नहीं है, मेरे भी बापूजी।
और गोवा हम बाद में चले जाएंगे। ये बाद में जो होगा वो बाद की बात, पर अभी आज के लिए मैंने होटल शालीमार में तुम्हारे लिए एक स्वीट बुक किया है, ठीक है? इसकी क्या जरूरत थी? अरे सब तुम दोनों ही सोचोगे। अरे भाई कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। पहले मेरी बहू को एक अच्छी जगह ले जाकर उसे डिनर करा और वहीं से होटल चले जाना, ठीक है? ओह माय, यू द स्वीटेस्ट। होटल शालीमार, बस मेरी मॉम इज द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। एक्चुअली मुझे भी पहले ऐसे लगा जैसे माँ थोड़े पुराने ख्यालों की, कि वो मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि मेरी माँ है ना। अब मेरी भी माँ है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि अब तो मेरी माँ का भी बंटवारा हो चुका है। मोटा भाई, आपको क्या लगता है हमें पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देनी चाहिए? डबल सिर्फ 4 घंटे हुए हैं, 24 घंटे से पहले वो लोग कंप्लेंट नहीं लेंगे। ठाकुर जी, मेरे बच्चों की रक्षा करना। चंचल, हम लोग देख रहे हैं ना सब। मोटा भाई, कल दिन में नरेन वो केशव कनौजिया के आसपास के लोगों से उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था। अरे कहीं उन्हीं लोगों के साथ उसका कुछ हो तो नहीं गया? हे भगवान, या कुछ और? नहीं नहीं जिगर, मोटा भाई मैं और जिगर जाकर केशव कनौजिया के लोगों के ठिकानों पे चेक करते हैं। ठीक है धवल, और धवल अपना फोन ऑन रखना। जी मोटा भाई, मेरा फोन ऑन रहेगा, आप चिंता मत करो। पूरे घर वाले टेंशन में और वो नालायक रौनक अपने कमरे में आराम से सो रहा है। सिर्फ 50 लाख का पेमेंट हुआ है। क्या बोल रहा है रौनक भाई, डबल काका से जाकर पूछो, पापा उनका मैक्सिमम पेमेंट क्लियर कर चुके हैं और जो थोड़े बहुत बचे हैं ना उसके लिए भी टाइम ले चुके हैं। काका को पेमेंट किया? हाँ। कब किया? और अगर झूठ बोला ना तो देख लियो तुम। भाई मैं क्यों झूठ बोलूंगा, अपने बाप की कसम मैक्सिमम पेमेंट क्लियर कर चुके हैं। चलो गाड़ी पीछे लो। नवीन जी, नवीन जी, कुछ आवाजें आ रही है। आवाज? कोई आ रहा है। आवाज? हेलो, कलावड़ पुलिस स्टेशन। नंदिनी, सर मैं मानता हूं कि
हमने पूरी रात वेयर हाउस में गुजारी, लेकिन सर हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं था सर। सर हम दोनों पति पत्नी हैं सर। अरे मेहता, दोनों पति पत्नी हैं। सर ट्रस्ट मी सर, हमारी कुछ दिन पहले ही शादी हुई। अरे यार वही घिसा पिटा स्टोरी, हम जब भी किसी कपल को पकड़ते तो वही कहते कि हम पति पत्नी हैं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम अपने हाउस से इनके वेयर हाउस कैसे पहुंच गए? सर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सर, हम अपने घर से नहीं गए थे सर, हम ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट में थे, हम वहाँ खाना खा रहे थे और फिर हम होटल जाने वाले थे सर। कौन से होटल? शालीमार होटल सर। शालीमार होटल, ये तो 5 स्टार है। जी बिल्कुल सही कहा आपने सर। और सर आप इनफैक्ट होटल वालों को भी कॉल करके पूछ सकते हैं, हमारे नाम की बुकिंग है सर वहाँ पे। अरे मेहता, वहाँ भी ये सब काम होने लगा क्या? तो ये सब नोट करके रख, मुझे बाद में बताना ठीक है, वहाँ छापा मारना है। जी सर। वैसे तुम लोग रहने वाले कहाँ के हो? सर यहीं राजकोट के ही सर, लोकल। राजकोट के रहने वाले हो? जी। तो रात गुजारने के लिए अपने घर के बजाय राजकोट के किसी होटल में क्यों गए? नहीं सर आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं आपको कह रहा हूँ सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। नाम बता भाई तू अपना, नाम बताओ। नरेन कुमार सर। पूरा नाम बता। सर पूरा नाम सर नरेन कुमार ही है सर। आईडी दिखाओ। अगर तुम लोग होटल जा रहे थे तो वहां चेक इन करने के लिए आईडी तो लगता है ना, वो कहाँ है दिखाओ। नरेन रतन सिंह, तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे थे और तुम अपना सरनेम क्यों छुपा रहे थे? रतन सिंह, तुम रतन सिंह ज्वेलर्स वाले हो क्या? जी जी सर मैं वही हूँ। विजिटिंग कार्ड दिखाओ। अरे दिखाओ विजिटिंग कार्ड। जी। सर प्लीज उसे कॉल वॉल रहने दीजिए ना सर, घर वाले परेशान होंगे सर। असिस्टेंट रतन सिंह ज्वेलर्स, मे आई हेल्प यू? क्या मैं हेमराज रतन सिंह से बात कर सकता हूँ? मैं इंस्पेक्टर रमेश मेहता, कालावार पुलिस स्टेशन। हेमराज जी को बोलिए कि उनका बेटा हमारे पास है, यानी पुलिस स्टेशन। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।